कुरुक्षेत्र में 1 मार्च को होने वाली शूर सैनी जयंती को लेकर सांसद नायब सैनी ने किसान विश्राम गृह में मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का सौभाग्य है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सैनी समाज के प्रवर्तक शूर सैनी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुष शूर सैनी ने कठिन तपस्या करके समाज के लिए हमेशा भाईचारे व शांति का संदेश दिया था। महापुरुष एक जाति या वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के साझे होते हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा सभी वर्गों व धर्मों का सम्मान करते हैं और इस आयोजन में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से लेकर के मनोहर वन सरकार और मनोहर टू सरकार में जो एक अपने महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का जो हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को गौरव प्रदान किया, उसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की धारा महाराजा सूर सैनी जी उनकी जयंती समाज मना रहा है उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उसी का निमंत्रण लेकर के मैं आज यहाँ देहरा में आया था और चौधरी बलबीर सिंह जी, सतीश जी और सब यहाँ इस पूरे के पूरे हमारे समाज के जो सरपंचगण हैं, पार्षदगण हैं, ब्लाक समिति जिला परिषद के सदस्यगण हैं और भी मौजूद साहिबान लोगों से बातचीत किया था। भारी संख्या में वहां पर पहुंचे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें और महाराजा सूर सैनी जी की ऐसे महापुरुष जो एक समाज के समाज के होते हैं भारी संख्या में पहुंचकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो उनकी शिक्षाएँ हैं, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को मनाने के ये उद्देश्य होता है उसके पीछे कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल सके, उसको लेकर के आज मैं निमंत्रण